हेलो दोस्तों, मैं हूँ उषा। उषा साक्या किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक नई रेसिपी, डोसा की कढ़ी, जिसे लोबिया या चौरा की कढ़ी भी कहते हैं। मैंने ले लिए हैं ये डोसा की फलियां या डोसा की कोसी। तो इनको इधर उधर से काट लेते हैं दोनों साइड से, और इसी तरह से साफ़ कर लेंगे सभी को। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। इनकी सब्जी या कढ़ी हमें ज़रूर खाने चाहिए। तो सभी को इधर उधर से काट करके इनको धुल लिया है अच्छे से। अब हमें इन्हें बारीक काटना है। तो आप हसिया या चाकू से किसी से भी इसे बारीक काट सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, लाइक और शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता है और हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। सभी को मैंने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो बड़ी या छोटी, जैसी भी आप काट पाते हैं वैसी काट लें। सभी को काटने के बाद अब चलते हैं गैस की तरफ। इधर मैंने ले लिया है कुकर। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कुकर में डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। इसमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, तो एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। गैस की फ्लेम लो रखी है। हींग डाल दी है एक चुटकी भर के, और हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसको हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद जो फलियाँ काट कर रखी थी वो डाल देते हैं। एक बार इस तरह से कढ़ी बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनती है। अब इनको चला लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद में इसमें डालेंगे पानी। पानी मैंने डाला है लगभग 2 गिलास। अब पानी डालने के बाद इसे प्लेट से ढक देते हैं, और जब तक ये फलियां अच्छे से पक नहीं जाती हैं तब तक इन्हें पकाएंगे। इधर मैंने ले लिया है दही से मट्ठा बना करके, चला लिया है अच्छे से। ये लगभग 1.5 से 2 गिलास होगा, और ज़्यादा खट्टा नहीं है इसलिए मैंने इतना लिया है। आपका मट्ठा अगर ज़्यादा खट्टा है तो कम डालें। 1/2 कप बेसन डाल दिया है। अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। मिक्स कर लिया है अच्छे से बेसन और मट्ठे को। अब देखते हैं हमारी फलियां अच्छे से पकी हैं कि नहीं, तो इन्हें देखते हैं। अब चला देंगे थोड़ा सा, और इनको देख लेते हैं हाथों से दबा करके। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आराम से देख लें। ये अच्छे से पक चुकी हैं फलियाँ। अब जो घोल बना कर रखा है हमने बेसन और मट्ठे का, उसे इसी में डाल देते हैं और इसे चलाते जाएंगे। इसी तरह से चलाते रहेंगे, और इसमें कुछ डालेंगे पानी थोड़ा सा, अभी गाढ़ी लग रही है। तो 1 गिलास के लगभग पानी और डाल दिया है। आपको गाढ़ी रखनी है या पतली रखनी है, जैसी भी रखनी है, इसकी वैसे पतली ही कढ़ी बनती है। अब डाल दिया धनिया पाउडर, और डाली है लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। कढ़ी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, सिंपल से मसाले रहते हैं। और इसको चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा। उबाल आने के बाद टेस्ट के अनुसार डाल देंगे नमक। नमक को मिक्स करेंगे और इसे ढक कर के 8 से 10 मिनट तक अच्छे से पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। कढ़ी जितनी अच्छे से पक जाएगी उतनी ही बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब उसके बाद देखते हैं हम कढ़ी हमारी बनी है कि नहीं। देखिए, अच्छे से बन चुकी है कढ़ी, गाढ़ी भी हो गई है। ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, और इसमें लगाएंगे तड़का।
तड़का पैन ले लिया, उसमें डाला है 2-3 चम्मच घी। अब डालेंगे इसमें जीरा 1/2 चम्मच, 10 से 15 कली लहसुन की कूट कर डाल ली हैं, 2 लाल मिर्च टुकड़ों तोड़ ली हैं और कड़ी पत्ते ले लिए हैं 8 से 10 तोड़ करके। अब मसाले इन सभी को अच्छे से भूनेंगे। हींग मैंने नहीं दिखा पाई, इसमें हींग भी डाली है। और अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, नहीं पहले ऐड करेंगे तो जल जाएगी, तड़का लगा देंगे और एक प्लेट को ढक देंगे तुरंत, जिससे इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए कढ़ी में तड़के का। अब उसके बाद खोल के देखते हैं और मिक्स कर देंगे। अब चलिए सर्व करेंगे कढ़ी को। सर्व करने के लिए मैंने बाउल ले लिया है, सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है। आप इसे गेहूं की रोटी, चावल, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी किसी से भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनती है। आपके यहाँ जब नहीं बनती है अगर, तो ज़रूर बना के देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।